वेलकम बैक टू स्टॉक्स वाओ यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ONGC स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ONGC स्टॉक ने फ्राइडे के दिन 126 लेवल पे क्लोजिंग दे चुका था। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरावट फिर से फ्राइडे के दिन में देखने को मिली थी। तो इस मंथ में देख सकते हैं जैसे 150 लेवल को ब्रेकआउट किया था इस मंथ के स्टार्टिंग में ही, तो जैसे 150 को ब्रेकआउट किया तो बेरिश मूवमेंट देखने को मिली और यहाँ पे 130 लेवल सपोर्टिव लेवल बनी थी, उस लेवल को भी ब्रेकआउट किया और रिसेंटली देख सकते जो ट्रेंड लाइन बनाई है उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 120 लेवल भी सपोर्टिव है तो उस दो लेवल का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। उसी के साथ देख सकते कि मंथली चार्ट पे में जो ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग वो भी सेम लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 120 के करीब। तो वो जो एक साथ आए ये सपोर्ट जो एक स्ट्रांग सपोर्ट नीचे यहाँ पे देख सकते कि क्रिएट हो चुका है ONGC स्टॉक के लिए। तो डेली चार्ट फ्रेम पे भी नज़र डाली जाए तो डेली चार्ट फ्रेम में भी देख सकते कैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 120 पे सपोर्ट लिया और वही से देख सकते बाउंस बैक किया है यहाँ पे ONGC स्टॉक ने, क्योंकि वो देख सकते मंथली चार्ट फ्रेम ने हमने देखा कि तीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी के वजह से यहाँ पे आप देख सकते कि बाउंस बैक हो चुका है। पर रिसेंटली देखा जाए तो 130 लेवल जो है इंपॉर्टेंट होगी ब्रेक करना स्टॉक के लिए। तो 130 लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे आप देख सकते कि चॉपिंग मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं ONGC स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ONGC स्टॉक के लिए।